और एक सच ये भी है, इतने कम समय में तेवर ने कुल्फी के लिए एक अच्छा बाप बनकर दिखाया है। जो तू आज तक हमारे अकेले नहीं बन पाया। प्यार करता है ना तू कुल्फी से, उसकी चिंता करता है ना, तो अपनी माँ के लिए, एक बार अपनी माँ के लिए उनके रास्ते से हट जा। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, अब तो वो भी उसे बाबा मानने लगी है, उसके लिए तो हट जा उनकी जिंदगी से। बेबे तुम सांबा जी और कुछ नहीं, ऐसे हैं सर। ढूंढ रहे थे आपको हम कब से, आपने बताया नहीं कि आपको हमारा और हमारी बिटिया का गाना कैसा लगा। अरे सर, गुरु हैं आप हमारे, गुरु मानते हैं आपको हम, सबसे तारीफें मिल रही हैं, अगर गुरु से भी कुछ सुन लेते। और सर तारीफें मिले क्यों नहीं, हमारी बिटिया इतनी होनहार, इतनी गुणवान जो है, अब अपनी ही बिटिया के बारे में आपको क्या बताएं हम, और क्या बताएं, क्या बताएं? तो बताएगा कुल्फी के बारे में, बात करते हैं। लेकिन आपने ही तो कहा था ना सर कि वो हमारे पास सिर्फ इसलिए है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, इस बात को गांठ मान ले। अच्छा, समझा। लेकिन आपने ही तो कहा था सर कि कुल्फी हमारे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसे हमारे पास भेजा था। लेकिन सर जो आज हुआ वो तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आज कुल्फी ने जो किया है ना सर, अपनी मर्जी से किया है, ना कि आपके कहने से या किसी और के कहने से। वरना हमारी बेटी आपके साथ गाना गाने के बजाय हमारे साथ गाना क्यों गाती सर? वरना हमारी बेटी आपके सामने, सबके सामने हमें बाबा क्यों कहती सर? मैं तुझे इतनी देर से ढूंढी हूँ, तू यहाँ पे बैठ के अनहेल्दी चीज खा रही है। ये चीज नहीं है। तो फिर क्या चीज है? आप भी शकरकंदी खा के तो देखो, एक बार ये मुंह में जाएगी ना तो आप भी सब भूल जाओगे। आप पेट में मैं आपको खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने मैंने अरे बात तो क्या कह रही, आप खाओ। इयू, मुझे नहीं पसंद। कोई ना जी, मेरे लिए और बच गई। इयू, डबल यू, तुमने मेरा झूठा खा लिया। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है मेरी जी, और हमारे बीच प्यार बढ़ाने की बहुत जगह हो गया तो चले। तो छुको, मॉम का पुराना फोन देना है, वरना तो सुबह सुबह देश की प्रैक्टिस के लिए कैसे आएगी। चले, क्योंकि कुल्फी अभी बच्ची है। इतनी बोली है ना वो, तारे को माँ समझ के उसे बातें करती है। फिर लोग अपना जिगरी अपनी सहेली मानती है। वैसे तो भी ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष जादू से बना, उसका मन इतना उजला है ना तेवर, कि वो सोच नहीं सकती कि किसका दिल इतना काला हो सकता है। सच और झूठ में फर्क क्या होता है, क्या होता है उसको नहीं आता अभी। को आता है, और मैं जानता हूं कि सच क्या है, और जिस दिन मैं वो सच सामने लेकर आया ना। एक मिनट सर, आपने कहा था कि आप गणेश विसर्जन के पहले सबूत लेकर आएंगे। विसर्जन कल है सर, क्या हुआ? सबूत नहीं मिला। नहीं मिला ना? एक काम करते हैं हम ना, आपकी डेडलाइन बढ़ा देते हैं। साल में से अपने पसंद का कोई भी दिन चुन लीजिए सर, और कोई भी सबूत लाके हमारी बिटिया के सामने रख दीजिए।
महादेव की कसम, हमें यकीन है हमारी बिटिया हमें ही चुनेगी सर, जैसे उसे आज चुना। क्या हुआ? चल। मैं अंदर नहीं आ सकती। What? बस क्यों? सिकंदर जी ने मना किया था ना। आपको प्रॉमिस कर रहा होगा कि वो डेटी के हमारे घर वापस कभी नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस। अरे इट्स ओके, तू चल आ। नहीं अमीर जी, मैं नहीं आ सकती। जब तक सिकंदर जी नहीं कहेंगे मैं तब तक नहीं आऊंगी। देख तुम एक टेंशन और मत बढ़ा। ऑलरेडी जॉन के डांट ने कल की रेस की सारे रूल्स बदल दिए। अब तू मुझे अपनी पीठ पे नहीं उठाएगी। मतलब आटे की बोली नहीं होगा? नहीं, अब हम 3 लेग रेस करेंगे, मतलब 3 पाव पे। दाइडे बाय, दाइडे बाय, थप। वो थपका गिरी गलत है मेरी जी। 2 पाव आपके, 2 पाव मेरे, हो गए 4। 3 पाव से 2 बच्चे कभी भाग ही नहीं सकते। कती, ये मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, तू अभी यही रुक, लिख रुक के, मैं फोन लेके आती हूँ, यही रुकना, लिख रुक। गॉड, मॉम का पुराना फोन काम कर रहा है। इससे अपने आप को कॉल कर लेती हूँ, नंबर मेरे फोन में आ जाएगा। ये ले, मेरी मॉम का पुराना फोन। मैंने अपने फोन में ये नंबर सेव कर लिया है। अब मैं तुझे कल सुबह सुबह फोन करूंगी, तू उठा लेना। ये ले। ओफो, मेरी तो लाइफ ही तुझे सिखाते सिखाते ओवर हो जाएगी। क्रिया, ग्रीन बटन से फोन उठाना और रेड से काटना, मतलब ग्रीन मतलब हरा और रेड मतलब लाल। हदे से उठाना, लाल से काटना। समझी खदी? हाँ जी। और आप भी दूसरे खेल को लेकर परेशान मत हो रहा, मेरे लिए सारे खेल ही नए हैं। अब कल मैंने जो सिखाओगे ना, मैंने सब सीख जाना है। अब काटे तैयार, पढ़ कर। या अब तू चल, चल। वट्टा सी अब्बा, फोन लग गया। देवर की गर्लफ्रेंड का फोन ऑन तो हुआ। क्या सिखाया था मीर जी ने? लाल, हरा, काटना, उठाना। क्या क्या काटना, उठाना। कोई है? हेलो,
अमीरी जी, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अमीरी जी, हेलो, अमीरी जी, हेलो, अमीरी जी, हेलो, 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 जी के साथ ऊपर गई थी पर घर के अंदर नहीं गई। क्यों? आपने मना किया है ना? मेरी हर बात मानेगी? हमेशा आप जो कहते हो मैं वही तो करती हूँ। पर मैंने आज आपकी बात नहीं मानी ना। मैंने माफ कर दो सिकंदर जी, मैंने सॉरी दे दो। क्यों, क्यों है? मैंने आपके साथ नहीं गाया, मैं तो आप ही के साथ गाना चाहती थी। तो फिर? फिर मैंने देखा बाबा को बुरा लग रहा है, वो कुछ कहते नहीं, लेकिन मैंने पता है मैंने उन्हें बाबा नहीं बोला था ना, इस वास्ते वो बहुत दुखी थी। और तूने उनको खुश करने के लिए मेरे साथ गाना नहीं गाया? वो मेरे पापा है, तो मुझे उनको खुश रखना पड़ेगा ना। सिकंदर जी, आप ठीक हो ना? लगता है कि पिघल गई मगर नहीं, तुम भी जाओ। नहीं नहीं, वो थी जहां पापा इंतजार कर रहे होंगे, वहीं कुल्फी कुल्फी, हजार तंज कस गई, हजार गांठ बंद चुकी, खुलेगी ना गठरी कभी, ये सोचा था पर खुल गई, पिघलेगी नहीं वो कभी कुल्फी कुल्फी, हाँ मीठे मीठे माज की कुल्फी।
इतने दिनों से तो ये नंबर ही बंद था, अब फोन लग रहा है तो कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हमारी बिटिया ने पहली बार हमें बाबा कहा है। ये तो कुछ नहीं है, आज हमारी बिटिया ने पहली बार बाबा कहा है। आज हमारा मन कर रहा है ना कि हम इस पूरे शहर को जगमगा के रख दे और बता दे सबको देवर अपनी बिटिया से कितना प्यार करता है। सिकंदर जी ने एकदम सही पहचाना, मेरे एक बारी पापा बोलने से ये इतने खुश हुए, तो यही मेरे पापा है। मेरे पापा इनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। और एक सच ये भी है, इतने कम समय में देवर ने गुरुवी के लिए एक अच्छा बाप बनकर दिखाया है, जो तू आज तक हमारे के लिए नहीं बन पाया। क्या ये सच है? सिकंदर ने तो सारी दुनिया जीती थी, पर ये सिकंदर सिंह गिल अपनी बेटी का दिल भी नहीं जीत पाया। मॉम प्लीज, अभी फास्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे ना तो हम फैमिली नंबर वन गेम कैसे जीतेंगे? चिल बेबी गर्ल, मुझे बताओ मैं ये फास्ट क्यों रख रही हूँ? किसके लिए रख रही हूँ? आपके लिए ना, ताकि मेरी अमायरा हमेशा खुश रहे, और फैमिली नंबर वन कॉम्पिटिशन तो हम 2 साल से जीतते आ रहे हैं, अब भी जीत जाएंगे। ओके, डोंट वरी। अगर इस साल मॉम की जगह डैड आपके साथ फैमिली नंबर वन खेल खेले तो What? तुम आप? हाँ। बिल्कुल नहीं, अगर आप मेरे पार्टनर बनोगे तो मैं पक्का हार जाऊंगी, मुझे अपनी लाइफ वो नहीं करनी। अरे ऐसे क्यों हार जाओगे आप? इस गेम में जजेस पार्टनर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और ये गेम जीतने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन आपको आपको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं है मारा, एक चांस तो तू नहीं, आपको एक भी चांस नहीं दे सकती, ऑलरेडी हार चुकी हूँ। ये गेम भी हार गई तो पूरा कंपटीशन ही हार जाऊंगी। बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ खेलूंगा और आप हार जाओ, कोई बात नहीं, मैं बाहर से खड़े होकर ताली बजाऊंगा आपके लिए। थैंक्स डैड। कुल्फी के पीछे ऐसे ही भागते रहे ना सिकंदर, तो ना तुम्हारी लाइफ में कुल्फी रहेगी और ना मायरा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।